आज़ादी के अमृत महोत्सव पर तिरंगा यात्रा के साथ हर घर तिरंगा जागरूकता अभियान की शुरुआत। बिथरी विधायक व आईएमसी अध्यक्ष ने भी तिरंगा यात्रा में की शिरकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश चल पड़ा है। उसी कड़ी में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बरेली जनपद में बीसलपुर रोड पर स्थित डॉक्टर विनोद राठौर के फार्म हाउस पर हर घर तिरंगा अभियान हेतु आज जागरूकता रैली निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा को विधायक बिथरी चैनपुर डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा व आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर विमल भारद्वाज व डॉक्टर विनोद राठौर, डॉक्टर अमित राठौर, डॉक्टर प्रमोद राठौर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विधायक बिथरी चैनपुर डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा व आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर विमल भारद्वाज ने सभी से अपने निवास स्थान व दुकानों पर तिरंगा लगाने की अपील की। भारी जन सैलाब के साथ हर घर तिरंगा अभियान पर निकली इस यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया, जहाँ लोगों ने हर घर तिरंगा के लिए जागरूकता व प्रेरित किया गया। कई गाँव से होती हुई इस यात्रा का समापन केसरपुर पर हुआ, जहां केसरपुर प्रधान प्रेम सिंह एवं गांव के लोगों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। तिरंगा यात्रा में शामिल लोगों का डॉक्टर अमित राठौर, डॉक्टर विनोद राठौर, डॉक्टर प्रमोद राठौर व कुलदीप शर्मा द्वारा आभार भी व्यक्त किया गया। इस अवसर पर तिरंगा यात्रा अभियान रैली में डॉक्टर रतन गंगवार, लीलेंद्र सिंह, सैदुपुर प्रधान वागेश, निर्दोष पटेल, अर्जुन सिंह, पवन पटेल, कुलदीप शर्मा, सचिन शर्मा, अभिषेक कुमार, अखिलेश पटेल, दुर्वेश पटेल आदि उपस्थित रहे। दरगाह आला हजरत स्थित दरगाह ताजुशरिया पर बरोज जुमा को आला हजरत के छोटे साहबजादे मुफ्ती ए आज़म हिंद का 42वां उर्से नूरी दरगाह ताजुशरिया के सज्जादानशीन काजी हिंदुस्तान मुफ्ती मोहम्मद रजा कादरी की सरपरस्ती और जमात रजा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सलमान मियाँ की सदारत व जमात रजा के राष्ट्रीय महासचिव फरमान मियाँ की देखरेख में मनाया जाएगा। जमात रजा के प्रवक्ता समरान खान ने बताया कि दरगाह ताजुशरिया पर फजर की नमाज बाद कुरान खुवानी होगी। शाम को 7:14 पर हुजूर ताजुशरिया के कुल की रस्म अदा की जाएगी और मिलाद की महफिल सजाई जाएगी। मुख्य कार्यक्रम का आगाज़ रात को 9:30 पर शुरू हो जाएगा, जिसमें उलमाए इकराम और मुफ्तियाना इकराम की तकरीर होगी। फिर रात को 1:40 पर सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के 42वां कुल शरीफ की रस्म अदा की जाएगी। व्यवस्थाओं में हाजिब हाफिज इकराम रजा खान, डॉक्टर मेहंदी हसन, शमीम अहमद, मोइन खान, मौलाना अजीमुद्दीन अजहरी, समरान खान, मोइन अख्तर, अब्दुल्ला रजा खान, बख्तियार खान, सैयद सैफ अली कादरी, नावेद आलम, मौलाना निज़ाम, अतीक अहमद, मौलाना आबिद नूरी आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर कमल शर्मा, फिजियोथेरेपिस्ट, श्री बालाजी फिजियोथेरेपी सेंटर, बिहारीपुर रोड, चौपला, बरेली। सभी शहरवासियों को एवं हमारी प्यारी बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं तथा भारतवासियों को 75वां स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। पंकज अग्रवाल, अन्नपूर्णा रसोई, रईसा टावर, लल्ला मार्ग के पास सामने, आप सभी लोगों को हमारी तरफ से स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, अमृत महोत्सव, तिरंगा यात्रा सभी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों का सहयोग और प्यार का हमेशा अभिलाषी रहूँगा। नमस्कार, मैं हरगुन सिंह रेडियो सर्विस से सभी बरेली वासियों और भारतवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और सभी बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। नमस्कार, मैं संजय सहानी सलोनी फैशन से आप सब लोगों को, बरेली वासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं और रक्षाबंधन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों का इतना प्रेम और इतना स्नेह हमें मिलता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और 75वीं वर्षगांठ हर घर तिरंगा सब लोग बहुत खुशी के साथ मनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत अच्छा त्यौहार है, भाई बहनों के प्यार का प्रतीक है। और रक्षाबंधन यानी कि भाई वचन देता है अपनी बहन को कि मैं जीवन भर तेरी रक्षा करूँगा। बहुत ही पवित्र त्यौहार है। तो इसमें एक चीज़ और जोड़ दी जाए तो त्यौहार में 4 चांद लग जाएंगे। जिस तरह से भाई अपनी बहन को वचन देता है कि मैं तेरी जीवन भर रक्षा करूँगा, और साथ साथ अगर वो यह प्रण ले कि मैं अपनी बहन की रक्षा तो करूँगा ही करूँगा, साथ में दूसरी जितनी भी बहनें हैं सबकी रक्षा करूँगा, आप कहीं भी जा रहे हैं पब्लिक प्लेस में, जहाँ भी आपको लगता है
किसी बहन को मेरी ज़रूरत है या मैं उसकी मदद कर सकता हूँ, तो हमें आगे बढ़ के उसकी मदद करनी चाहिए, उसका सहयोग करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि ये मेरी बहन नहीं है, हर लड़की हमारी बहन है। इस नज़र से, इस सोच के साथ उसकी अगर हम मदद करें तो रक्षाबंधन सही मायने में जो हमारे देश में जो जिसके पीछे जो सोच है वो कामयाब हो सकेगी, क्योंकि बहनों को एक पावर देने की बात है यहाँ पे, उनकी रक्षा करने की, उनके साथ जोड़ने की, उनके साथ खड़े होने की बात है। तो सिर्फ अपनी बहन के साथ ना खड़े होकर पूरे देश के साथ, हर बहन के साथ खड़े होकर हम होंगे तो रक्षाबंधन सही मायने में जो त्यौहार है वो कामयाब होगा। मैं हनी देवनानी पूरे पीके परिवार की ओर से आप सब बरेली वासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं एवं 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूरे भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका प्यार हमारे लिए हमेशा बना रहे, इसलिए जय हिंद, जय भारत।